दोस्तों, आपने हमेशा यही सुना होगा कि जिद हमेशा बर्बादी लाती है। आज दुनिया कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है। एक शख्स की जिद ने पूरी दुनिया को पिछले 8 महीने से ऐसी परेशानी में डाल रखा है जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस एक शख्स की जिद की वजह से लोगों को खाने के लाले पड़ गए और उनकी नौकरियां छिनती जा रही हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि ये हालात और भी खराब होने वाले हैं। दोस्तों, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने भले ही यूक्रेन पर हमला किया हो, लेकिन इस हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रूस के दोस्त कहे जाने वाले भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि यदि पुतिन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भारत ने जितनी अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाई है वो धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा। और ये बात हवा में नहीं बल्कि पुख्ता आंकड़ों के साथ कही जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे पुतिन की जिद पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है और कैसे भारत को भी इससे नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया मंदी और महंगाई का सामना कर रही है। बढ़ती कीमतें और घटती आमदनी ने आम जनता को परेशान करके रख दिया। वहीं ये खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आशंका जताई है कि 2023 के साल में दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसमें से एक है रूस यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इतना असर डाला है कि उनकी GDP घट गई। इसमें भारत के लिए भी चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की साल 2023 की GDP ग्रोथ रेट 6.8% से घटकर 6.1% रहने के अनुमान हैं। दोस्तों, अभी कोरोना महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इस महामारी की चोट से भारत धीरे धीरे उबर रहा था। इससे पहले वो संभल पाता कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर फिर गहरी चोट पड़ गई। इतना ही नहीं, इस युद्ध के चलते यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमिक ताकत अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था भी लगातार गिरती जा रही है, और इन देशों की GDP की ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी। इस गिरावट के चलते वैश्विक महंगाई दर तेजी से बढ़ने के अनुमान हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आंकड़ों में बताया जा रहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी। नंबर गेम में भारत इन देशों से आगे नजर आता है, लेकिन फिर बात अर्थव्यवस्था के आकार पर आती है तो अमेरिका की GDP 20 ट्रिलियन के करीब है, चीन की 13 ट्रिलियन, लेकिन यहाँ भारत काफी पीछे है। भारत अब भी 3 ट्रिलियन के आसपास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फिलहाल तो जो हालात मौजूद हैं उसमें ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के सामने कई तरह के संकट हैं, जिसमें पहला तो पुतिन की मनमानी है, वहीं दूसरा कुदरत की नाराजगी यानी कि बेमौसम बारिश। इन दोनों परेशानियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है, और इससे उभरने के लिए भारत हर तरह से कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, आज से 8 महीने पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसने सोचा था कि वो कुछ दिनों में यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेगा, क्योंकि ऐसा वो साल 2008 में जॉर्जिया के साथ और साल 2015 में क्रीमिया के साथ कर चुका है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन के साथ होगा, लेकिन यहाँ पुतिन का हर दाव उल्टा पड़ गया। इस युद्ध को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन नतीजा 0 का 0 है। इस बीच रूस की शान कहे जाने वाले क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया, जिससे पुतिन और भी भड़क गए। अब तक सीमाओं पर चल रहे युद्ध को पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर लेकर चले गए। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई अहम शहरों पर बमबारी की, छोटे आकार की मिसाइलें गिराई, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां रूस ने आम लोगों के रिहायशी इलाकों, शॉपिंग मॉल, दुकानों सभी पर अपना कहर बरसा दिया। इस हमले को लेकर कहा गया कि ये इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। युद्ध में आई इसी तेजी के बाद से पूरी दुनिया काफी डर गई है। जहां युद्ध में रूस अपनी तरफ से कहर बरसा रहा था, वहीं अब उसका साथ देने के लिए बेलारूस भी आ गया, जिससे युद्ध के खत्म होने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये और भड़कने के संकेत दे रहा है, जो अपने साथ कई मुसीबतें लाने के संकेत दे रहा है। दोस्तों, यह युद्ध अगर लंबा चला तो यूरोप के कई देशों में गैस और एनर्जी का संकट हो सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक गैस के लिए बड़े पैमाने पर रूस पर निर्भर हैं। सर्दियों में यूरोप में गैस की खपत बढ़ जाती है, लोग घर को गर्म रखने, हीटर जलाने के लिए बिजली की
जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सर्दियों का मौसम आने को है, यदि ऐसे में रूस गैस की सप्लाई रोक देता है तो यूरोप की क्या हालत होने वाली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये ठंड में ठिठुर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनाज के लिए यूक्रेन पर निर्भर है, लेकिन अभी जो हालात हैं वो आने वाली मुसीबत को साफ बता रहे हैं। दोस्तों, यहां अगर इस युद्ध में हुए नुकसान की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध की कीमत करीब $3 ट्रिलियन है, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। यानी कि इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ है कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही पूरी खर्च हो गई। एक युद्ध में इतनी बड़ी राशि की बर्बादी ये बता देती है कि पुतिन की एक जिद ने कितना बड़ा नुकसान किया है। वैसे तो ये रकम पुतिन अपनी जेब से भरने वाले नहीं है, बल्कि ये पूरा पैसा दुनिया की आम जनता की जेब से निकलने वाला है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में पुतिन की ताकत रूस में कमजोर हुई है, यहां की जनता में उनका विरोध बढ़ रहा है। ऐसे में पुतिन को अपना समर्थन वापस पाने के लिए जनता को एक बड़ा मकसद दिखाना होगा। इसके लिए पुतिन सोवियत यूनियन के समय की ताकत को रूस को याद दिला रहे हैं। वो यूक्रेन के जरिए रूस की जनता को अखंड रूस का सपना दिखा रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन के 4 प्रांतों में रूस की तरफ से जनमत संग्रह कराया गया, जिसे लेकर रूस ने दावा किया कि ये 4ों प्रांतों ने बहुमत से रूस में शामिल होने का विकल्प चुना है, लेकिन यूक्रेन इसको अवैध बता रहा है, जिससे युद्ध और भड़क रहा है। दोस्तों, यहाँ भारत की बात करें तो वो शुरू से ही तटस्थ रहा है, लेकिन उसका रूस की तरफ झुकाव भी साफ नजर आया है। इस दौरान भारत ने रूस से अपने संबंधों को भी मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच रुपया रूबल में व्यापार किया जाने लगा है। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि जब तक यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर है, तब तक प्रतिबंधों में ढील रहेगी। लेकिन जैसे ही यूरोप के देश गैस के लिए आत्मनिर्भर हुए तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। तब इसका असर भारत के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत का रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसके साथ ही भारत का निर्यात भी कम होता जा रहा है और आयात बढ़ रहा है। सितंबर महीने में भारत ने $33.81 अरब का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि अक्टूबर में घटकर $32.62 अरब पर आ गया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। इसके साथ ही भारत में खेती पर भी काफी असर पड़ा है। दरअसल भारत अपने फर्टिलाइजर के लिए रूस पर निर्भर है। इस युद्ध के चलते इसकी सप्लाई पर काफी फर्क पड़ा है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें धान, सोयाबीन, कपास और दलहन शामिल है। कई इलाकों में धान की फसल पूरी तरह से चौपट भी हुई है। फसलों के नुकसान होने से आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ने की आशंका है। महंगाई दर पहले ही RBI के तय मानक 6% से ऊपर चल रही है और महंगाई को रोकने के लिए RBI रेपो रेट बढ़ा रही है, जिससे आम जनता पर भारी मार पड़ेगी। ऐसे में यदि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है तो उसे रूस पर निर्भरता को कम करना होगा, साथ ही आयात की बढ़ोतरी पर लगाम लगाना होगा। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, 3 ट्रिलियन को ही बनाकर रख लें, ये बहुत होगा।